श्री समेत शिखर पालीताना की रक्षा हेतु 6 जनवरी को विमल शाह के निर्देशन में श्री जैन महासंघ चेन्नई में चलो करें तीर्थ रक्षा का शंखनाद हुआ। जैन संतों एवं भट्टारक स्वामी जी के सानिध्य में हजारों की संख्या में समाज के लोगों ने इस रैली में भाग लिया। 5 जनवरी को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें एक पत्र जारी किया गया, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया कि श्री समवेत शिखर जी एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसको लेकर सकल जैन समुदाय में असंतोष है। इसी असंतोष के चलते 6 जनवरी को विमल शाह के नेतृत्व में श्री जैन महासंघ चेन्नई में चलो करें तीर्थ रक्षा का शंखनाद हुआ, जिसमें विमल शाह ने हुंकार भरते हुए तीर्थ राज की पवित्रता बनाए रखने के लिए एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अहिंसात्मक तरीके से हो रहे इस आंदोलन में हजारों की संख्या में जनसमूह एकत्र हुआ, साथ ही अपने धर्म की रक्षा के लिए आक्रोशित दिखाई दिया। हाथों में धर्म ध्वजा लेकर सकल जैन समाज एकजुटता के साथ बड़ी संख्या में शिखर जी बचाओ के लिए सड़कों पर दिखा। चेन्नई का विशाल जन समूह ये दर्शाता है कि ये जैन समाज ने जो सफेद रंग शांति प्रतीक का जरूर पहना है, लेकिन हमारा जोश कम नहीं है। हम अहिंसात्मक तरीके से जो कर रहे हैं उसे सरकार तक को हिला सकते हैं, और जब तक पवित्र तीर्थ घोषित नहीं होता तब तक ये आंदोलन यूं ही चलेगा। सकल जैन समाज सरकार को ये बताना चाहता है कि वो ये ना सोचे कि श्री समवेत शिखर जी बचाओ आंदोलन की आवाज़ अब थम गई है। जब तक श्री समवेत शिखर जी को सरकार पवित्र तीर्थ घोषित नहीं कर देती, तब तक आंदोलन ऐसे ही होते रहेंगे। जैन फोकस के लिए चेन्नई से ब्यूरो रिपोर्ट।